यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। देश की आवाज में, जी हां, हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और साथ ही आपको बता दूं, चले देश की आवाज एक ऐसा मंच जहां से हम मुद्दे उठाते हैं और आप यानी कि जनता हमें अपनी राय पहुंचाते हैं। और आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोहतक पीजीआई जाना माना एक अस्पताल है और हर वर्ग के लोग वहां पर इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन अब आसार वहां पर कैसे बने हुए हैं, चलिए अब आपको उसी से रूबरू करवा देते हैं। जी हां, जब कोई धरने पर बैठकर खुद पर ही हंसने लगे तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। जी हां, एक धरना ऐसा हो रहा है जहां पर लोग धरना तो दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हंसी जरूर आ रही है। वैसे रोहतक पीजीआई के डॉक्टर्स का धरना है जो कि सातवें पे कमीशन की मांग कर रहे हैं। जिस अस्पताल में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, उस अस्पताल की एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। जी हां, यहां पर बगैर डिग्री वाले डॉक्टर मरीजों का इलाज भी करते हैं और सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि धौंस भी जमाते हैं। वहीं पीजीआई के अगर निदेशक की दवाई कंपनी से मिली भगत का खामियाजा भी आम जनता को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि मिली भगत के चलते दवाइयां बाहर से लिखी जाती हैं और फिर कंपनी डॉक्टरों के विदेश जाने का खर्च भी खुद उठाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आखिर इतनी बड़ी चूक क्यों हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है? कब तक यूं ही आम लोगों को इसका शिकार होना पड़ेगा? तो आप भी प्रोग्राम के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को जनता तक पहुंचा सकते हैं, महकमे तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसी के साथ आज का सवाल, रोहतक पीजीआई में मचा हड़कंप, हड़ताल, फर्जीवाड़ा और धांधली, इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन? आखिर क्यों होती है चूक? रोहतक पीजीआई में हड़कंप मच चुका है क्योंकि एक नहीं चार चार तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक बिना डिग्री का डॉक्टर अस्पताल चलाता हुआ दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो निदेशक है वो मिलीभगत प्राइवेट कंपनियों के साथ करता हुआ पाया जाता है और उसी के साथ डॉक्टर हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं, लेकिन हंसी उनकी नहीं रुक रही। तो हमारे साथ पहले दर्शक गुरुग्राम से नवीन मलिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन मलिक, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय रहेगी? इसमें मामले में यही राय है कि हर चीज सबसे जड़े के है पैसा, करप्शन, क्योंकि दवा कंपनी उनको कमीशन देती है ऊपर से और मरीजों को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वो बाजार से दवाई लिख के बाजार से दवाई जाती है। दूसरी, और खाली विदेश नहीं जाते हैं, बड़े बड़े इनको मतलब होटलों में इनको ठहराया जाता है, अपने फैमिली के साथ जाते हैं, उसका तो कैश पेमेंट करा जाता है, इसमें इसका तो पता ही नहीं चलता किसी को। ये तो आप टिकट आ गया क्योंकि इसमें टिकट में रिटर्न में आ गया ना, तो आपने जो दिखाया एयर फ्लाइट का, तो इसलिए सीएफसीसी पकड़ेगी। और हमारे देश के नेता जो है उनको भी, जो भी हेल्थ मिनिस्टर होता है उनको भी तरफ से, कंपनियों की तरफ से और बड़ी बड़ी कंपनियों और डॉक्टरों की जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह की जो बाजार सवाई देखते हैं, उनको करोड़ों रुपए या लाखों रुपए की रिश्वत जाती है स्वास्थ्य मंत्री को, तो ये होता है क्योंकि स्कीमों वगैरह को। और जो अभी आप कितनी एक कि एक नेता अपनी हित स्वार्थ के लिए एक दूसरे की पार्टी बदल रहा है, अभी जो आपने खबर दिखाई हरियाणा की, इसी तरह हर जगह होता है। क्योंकि अगर आप देखिए, हमारे जो यहाँ पे निर्दलीय विधायक रूप का जीतनी रूप का लिया करती थी, वो चंद मतलब एक महीने उनको अच्छी नौकरी मिल जाने का दूसरी पार्टी लगवा रही, महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए वेतन के लिए, वो एक तरीके से पाकिस्तानी समर्थक पीछे विद्रोही जो नेता है हमारे उधर के लोकल, उनसे मिल गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक के पास सब हम चलेंगे। रणबीर मान पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है रणबीर मान खबरें अभी तक पर। आपकी इस पर क्या राय रहेगी? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, मैं भी एक कर्मचारी हूँ जी, और जो ये भ्रष्टाचार है ना जी, ये हमारे देश के कर्मचारियों की रग रग में है जी। अगर देश का कर्मचारी ईमानदार हो जाए ना जी, तो देश तरक्की कर सकता है जी।
जानकारी है, ऐसे ही कर्मचारी उसी राय पर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने रणबीर मान, कि कहीं ना कहीं एक कर्मचारी ही देश की प्रगति में बड़ा योगदान देता है, लेकिन अगर कर्मचारी ही भ्रष्ट हो तो क्या फायदा सरकार पर आरोप लगाने से, प्रशासन पर आरोप लगाने से, सिस्टम पर आरोप लगाने से। तो इसी के साथ आज के सवाल एक बार फिर से आपको बताते चले कि आखिरकार इन पूरे मामलों में चूक कहां हो जाती है। रोहतक पीजीआई में जो आज हड़कंप मचा हुआ, एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे वहां से हो रहे हैं, हड़ताल, फर्जीवाड़ा और धांधली का खेल वहां पर चला हुआ है। आखिरकार इन सब का जिम्मेवार कौन है, कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार? आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, देश की आवाज बनिए और अपनी आवाज को जनता तक बुलंद कीजिए, महकमे तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि देश की आवाज एक ऐसा मंच आपको प्रदान दे कर रहा है जहां से आप अपनी आवाज लोगों तक, जनता तक, पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। जी हां, इसी के साथ आपको बता दें कि रोहतक पीजीआई में अनोखा खेल चला हुआ है, लापरवाही भी मानी जा सकती है, क्योंकि यहां पर धांधली हो रही है, धरना हो रहा है और साथ ही फर्जीवाड़ा भी चला है। आपको बता दें रोहतक पीजीआई में आरोप लगे हैं कि एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं, फर्जी डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहता है और लोगों पर धौंस भी जमाता हुआ नजर आता है। उसके साथ ही दूसरी तस्वीर की अगर बात की जाए तो रोहतक पीजीआई में जो डॉक्टर्स हैं वो सभी धरने पर बैठे हुए हैं और सातवें पे आयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन धरना देते देते उन्हें बहुत ज्यादा हंसी आती है और धरने को उन्होंने एक खुशनुमा माहौल दे रखा है, क्योंकि हंसी के फुहारे वहां पर उनके शक्लों से फूटते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ तीसरी तस्वीर की अगर बात की जाए तो आपको बता दें निदेशक को सस्पेंड किया गया और आरोप उन पर ये लगे कि उनकी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिली भगत थी और वो सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवाइयां जो लिख कर देते थे वो बाहर कंपनियों की लिख कर देते थे, जिसके चलते ये माना जा रहा है, ये आरोप उन पर लग रहे हैं कि उनकी मिलीभगत प्राइवेट फार्मा कंपनियों के साथ थी। इसी पर आज के सवाल हैं जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और देश की आवाज बनिए, अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाइए, महकमे तक पहुंचाइए। तो आपको बता दें एक सरकारी अस्पताल वो संस्थान होता है जहां पर हर वर्ग के लोगों का इलाज होता है और अक्सर इलाज के दौरान डॉक्टर्स के द्वारा लापरवाही भी बरती जाती है, क्योंकि बहुत से जो डॉक्टर्स होते हैं उनका ये रवैया होता है कि आखिरकार वो जो मर्जी कर ले, तनख्वाह तो आखिर मंथ में आ ही जानी है। अगले दर्शक राम सचदेवा कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सचदेवा, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? नमस्कार जी। जी नमस्कार। एक तरफ तो अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री जो रोज दावे करते हैं, रोज ये कहते हैं कि हम हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हर चीज ठीक हो रही है, हर चीज ठीक हो रही है। अगर लोगों का स्वास्थ्य अगर खत्म हो गया तो लोगों को दवाइयां नकली मिलती हैं, वो को करती हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डॉक्टर जो अपने हड़तालें कर रही हैं कि किस चीज के, जब उनके पे भी बहुत सबसे ज्यादा होती है और ऊपर फिर से भी को कमाते हैं और जो नकली दवाइयां बेच बेच के पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ है, उनको हड़ताल करने की क्या जरूरत है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी जनता ने यह सरकार बनाई है। वो आज अगर गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में मजबूर होकर ही जाता है या वो करता है, सब वो करता है। अगर कहते हैं ना जान है तो जहान है, अगर ये दवाइयां ही नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे तो आम आदमी की क्या मुश्किल हुई? सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में, ये डॉक्टर इनके कोट तो सफेद हैं लेकिन मन इनके काले, इनके मन में प्यार नहीं है, इनके जिन्होंने ये वो इनके मन काले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम सचदेवा अपनी आवाज हम तक पहुंचाने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं दर्शकों में भी रोष है जो डॉक्टर्स के प्रति रवैया रह रहा है मरीजों का। तो हम बात कर रहे थे जिस प्रकार से डॉक्टर्स होते हैं सरकारी अस्पताल एक ऐसा संस्थान जहां पर हर वर्ग के लोगों का इलाज होता है और उन्हें सरकार की तरफ से ही दवाइयां दी जाती है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी प्राइवेट फार्मा कंपनियों के साथ मिलीभगत होती है। सरकारी अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद भी वो मरीजों को बाहर से दवाई देने के लिए पर्ची में लिख देते हैं और जिन कंपनियों के साथ उनकी मिलीभगत होती है उनका नाम लिख देते हैं। अब ऐसे में जो मुनाफा
प्राइवेट फार्मा कंपनियों के मालिकों को होता है, उसके साथ डॉक्टर की मिलीभगत हो जाती है और वो अपना हिस्सा बांट लेते हैं। और इससे सिर्फ रोहतक पीजीआई ही तरस नहीं, इससे पहले भी बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं जहां पर डॉक्टर्स पर धांधली के आरोप लगते हैं। डॉक्टर जिसे भगवान माना जाता है, डॉक्टर जिसे हमेशा एक आखिरी उम्मीद के रूप में देखा जाता है, अगर वही डॉक्टर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए तो आखिरकार क्या होगा? जी हाँ, इसी पर आज के हमारे सवाल है। एक तरफ तो डॉक्टर धांधली करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ अगर डॉक्टर की बात की जाए तो कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर तो नहीं होते लेकिन डॉक्टर बनने का खेल उन्हें अच्छे से आता है। जी हाँ, फर्जी डॉक्टर इन्हें कहा जा सकता है। रोहतक पीजीआई की ही ये बात है जहां पर रोहतक पीजीआई से ही आज सुबह ये खबर आई जहां पर एक फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया। लिखित में स्टाफ ने शिकायत दी कि फर्जी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहता है और साथ ही रौब भी जारता है। उसके साथ ही अगर किसी खबर की बात की जाए तो आपको बता दें कि रोहतक पीजीआई में कुछ डॉक्टर्स धरने पर भी बैठे हैं लेकिन उनका धरना कम और एक हंसी का सम्मेलन ज्यादा लग रहा है जहां पर उन्हें काफी ज्यादा हंसी भी आ रही है। तो इसी पर आज के हमारे सवाल हैं कि आखिरकार चूक क्यों होती है, चूक कहां होती है और जिस प्रकार से अस्पताल में सिस्टम चला हुआ है, क्या लगता है कि क्या वहां पर मरीजों का इलाज उस प्रतिबद्धता के साथ हो पाएगा जो प्रतिबद्धता एक डॉक्टर के लिए होनी चाहिए। डॉक्टर का सबसे पहला जो काम होता है वो किसी की भी जान बचाना होता है लेकिन यहाँ पर माहौल रोहतक पीजीआई में जिस प्रकार से बना हुआ है, मुश्किल लगता है कि शायद मरीजों की समस्याओं को ध्यान से भी सुना जाता होगा। इसी पर हमारे आज के सवाल है, आखिरकार चूक क्यों होती है? रोहतक पीजीआई में हड़कंप मचा हुआ है, क्या इसके कारण है? क्योंकि तीन खबरें हमने आपको बता दी हैं और ये आज की खबरें हैं, रोहतक पीजीआई की हड़ताल, फर्जीवाड़ा और धांधली, और इन तीनों से जुड़ी ये खबरें हैं। हड़ताल जो धरना जहां पर डॉक्टर्स उतरे हुए हैं लेकिन वहां पर उन्हें हंसी आती है और वो इंजॉय करके उस धरने को दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात से बेफिक्र हैं कि उनकी सैलरी कटेगी या उनका जो वेतन है वो काट दिया जाएगा या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर फर्जीवाड़े की बात की जाए तो एक डॉक्टर ऐसा है वहां पर जो डॉक्टर है नहीं लेकिन अपने आप को डॉक्टर कहलाता है और साथ ही लोगों पर रौब भी जारता है। और धांधली भी देखने को मिली जिसके चलते निदेशक को सस्पेंड किया गया। धांधली देखने को मिली जहां पर डॉक्टर की मिलीभगत से प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा हो रहा है और उसमें उसके भी शेयर्स हैं। तो ये कुछ आरोप हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन मामला बेहद संगीन है और जो बात है वो मरीजों की जान पर, मरीजों की जिंदगी पर बनाती है। अगले दर्शक चंडीगढ़ से पवन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? मेरी ये राय है जी कंपनी जिस एरिया में हॉस्पिटल होता है जी उसी एरिया में अपनी दवाइयां रखवाते हैं जी। जैसे बाई सेक्टर में हेल्थ सेंटर है जी, जो बाई सेक्टर हेल्थ सेंटर के डॉक्टर दवाई लिखेंगे वो बाई सेक्टर में ही मिलेगी जी, दूसरे सेक्टरों में नहीं मिलेगी और लेनी वहीं से पड़ेगी। और डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप कंप्यूटराइज बिल लेके आइए जी। कंप्यूटराइज बिल कौन दुकानदार दे सकता है? कितनी दुकानें हैं जिन पे कंप्यूटर लगे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और जाहिर सी बात है ये भी एक समस्या है। अगले दर्शक के पास हम चलेंगे, बलदेव सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। इस पर आपकी क्या राय है? मैडम, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पीछे दर्शक ये कह रहे थे कि कर्मचारी नहीं, इसमें अधिकारी जो है वो करते हैं। अगर अधिकारी सही हो जाए तो कर्मचारी की हिम्मत ही नहीं होती, अधिकारी करवाते हैं कर्मचारियों से। और जैसे एक इनका हमारे हरियाणा में सिस्टम है कि चपरासी को पकड़ के तो ये उसका भ्रष्टाचार करते हैं, तहसील का खत्म। रोडवेज में कंडक्टर को पकड़ के ये अपना रोडवेज का करते हैं, तो ये सारा का सारा अधिकारियों का है, अधिकारी या ऊपर के ये नेता लोग। और जब तक ये ठीक नहीं होंगे, ये भ्रष्टाचार और ये गड़बड़े ठीक नहीं होगी, क्योंकि करवाने वाले ये हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक के पास हम चलेंगे, अजमेर हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? जी नमस्कार। सरकार फर्जीवाड़ा खुद कराती है सर। सरकार अगर चाहे तो
शिक्षा और सेवा सेक्टर को फ्री कर दे, किसी भी कंपनी की सरकार खुद ले, ये सरकार करवा रही थी पैसे कमाने के चक्कर में जी। सरकार का सारा खेल है। अगर आप रोहतक पीजीआई में जो मान लो फ्री दवाई अपनी जाके देवे, किसी भी कंपनी की अपनी ले आवे जी, ये सारे मिली भगत है सरकार के भी। बेरा पट जैसे सरकार अधिकारी अब थोप दे, अधिकारी छोटे उस पर थोप दे जी, ये सारा सरकार का खेल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक के पास हम चलेंगे, योगेश करनाल से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, इस पर आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार जी मैडम। कितनी बार ये उठ लिए मुद्दे की भाई हॉस्पिटलों में ये हो रहा है, डॉक्टर नहीं है सही पे, मरीजों की मौत हो रही है जी। लेकिन हमारी सरकार या मान लो जो ये वरिष्ठ साहब हैं, ये कहते हैं कि भी हम कार्रवाई करेंगे। बस कार्रवाई करने का मतलब क्या होता है कि वो ना तो सस्पेंड होते, ना उनपे कोई कार्रवाई होती, ना कोई केस होता, वो बरी हो जाते हैं एक दो दिन जाने के बाद। अब जैसे ये डॉक्टर हड़ताल पे बैठे, किस चीज के लिए बैठे हैं कि 12 वेतन पर? अरे तुम जब कोई जॉब करोगे, कोई काम करोगे, जब ही तो होगा। तुम ये बताओ जी, मैंने कई बार कह लिया इसी टीवी चैनल पे, कई बार कह लिया कि भाई करनाल कल्पना चावला में जो दो महीने के बच्चे को टीके लगते हैं ना, PC1 PC2 PC3 के, PC1 का तो कल्पना चावला के अंदर लगता है, लेकिन वो डॉक्टर फिर दो टिक्के बाहर लिख देते हैं, एक टिक्का 1600 रुपए का आता है जी। वो नहीं मेरी सुनी गई, मतलब ये आपके चैनल पे कहा था, मैंने कई बार मुद्दा उठाया कि भी जो ये स्कूल होती है इन पे छुट्टी होती है, पुलिस महकमा खड़ा नहीं होता, जिप्सी नहीं होती है जी। कई बार कहे मैंने मुद्दों पे, कई बार बातें उठाई, कोई इधर उधर की बातें नहीं करी मैंने, हर बात पर एक मुद्दे पे बात करी, लेकिन नहीं सुनती सरकार। हाँ अब सुनेगी कि भाई जब ये वोट लेने आएंगे ना, तो ये कहना पड़ेगा भाई ऐसा कर, हम डॉक्टरों को ही वोट दे देंगे, तुम्हारा के देने का क्या फायदा जब तुमने कुछ काम करना है ही नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात मैडम, ये फोन करने से, या मान लो आप कितनी ईमानदारी से खबरें दिखाते हो, कितनी ईमानदारी से करते हो, हम भी अपनी बातें करते हैं, हम अपना दुख कहते हैं, लेकिन ये सुनता नहीं। लेकिन ये सुनेंगे जब, जब ये हम सब जागेंगे उठेंगे, जब बाहर घर से बाहर निकलेंगे, ये तो घर में बैठ के या फोन करने से किसी का कोई हल नहीं निकलेगा। आज ये इनके साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है जी। जब ये जाके सरकार जागेगी, वैसे तो ये वोट मांगने के लिए कह देंगे जी वोट देना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, हाथ नहीं जोड़वाना, अब पैर पकड़वाने हैं इनसे जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देश की आवाज अब एक ऐसा मंच बन चुका है जहां पर लोग अपने भी मुद्दे उठा रहे हैं, और उनको उम्मीद रहती है कि इन मुद्दों पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। और हमारा अनुरोध भी रहता है प्रशासन से, विभाग से, कि जो मामले हम उठा रहे हैं कहीं ना कहीं हस्तक्षेप उन पर किया जाए, और साथ ही जो मामले हमारे द्वारा उठाए जाते हैं, जो लोगों की अपीलें हैं इस प्रोग्राम के जरिए महकमे तक पहुंचाई जाती है, जल्द से जल्द उन पर सुनवाई हो, क्योंकि सचमुच जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। तो इसी के साथ अगले दर्शक के पास हम चलेंगे, मनमोहन सिंह रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है खबर अभी तक पर, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ जी, ये है यहाँ भारत मेडिकल हॉल, मेडिकल मोड़ के, मेडिकल मोड़ पर जी, इसकी एक डॉक्टर है ये बच्चों के, इसमें 14 नंबर वार्ड में जी, इन्होंने इंजेक्शन लिखा था मेरे बच्चे का, डॉक्टर ने नोवा जी, और ये डॉक्टर आई भारत मेडिकल हॉल है, जिसका भारत मेडिकल मेडिकल से दवाई की नहीं दुकान इसकी जी, जी, और इन्हें आते रोपन का इंजेक्शन कर दिया जी, वो नया इंजेक्शन जो डॉक्टर ने लिखा वो कैंसिल कर दिया, अभी ये नहीं लगेगा आपके एंटीबायोटिक में, रोपन का लगेगा, जिसकी कीमत है 1500 रुपए जी, और वही इंजेक्शन सेम दूसरी कंपनी का था 700 रुपए का, मैं वो लेके गया जी, वो लगाने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर एक जूनियर डॉक्टर ने बताया कि भाई इन्हीं का ये मेडिकल हॉल है और इसी पर ये मिलेगा, और ये बिकवाने के लिए स्पेशल इनोवा कार गिफ्ट दी गई है कंपनी की तरफ से जी। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं जनता की जान के लिए भी ये बहुत बड़ी जोखिम की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, आशा करते हैं कि जल्द आपकी भी सुनवाई हो। अगले दर्शक सावंत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है खबर अभी तक पर। सावंत, आपकी क्या राय रहेगी? जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार जी। ये जो आप दिखा रहे हो ये तो बहुत जो है इस तरीके से हो ही रही है अस्पतालों में, इस तरीके से जो है, मैं तो यही कहता हूँ कि जनता है परेशान और डॉक्टर हो चुके हैं शैतान, और सिस्टम हो चुका है लाचार पूरी तरीके से, फेल हो चुका है। और आप जनता अस्पतालों में भीड़ लगती है और दवाइयां सब बाहर से लिखते हैं, और वही दवाइयां लिख देते हैं जहां पर वो मिलनी है, वो डॉक्टर
अस्पताल के सामने ही मिलेंगी, जहाँ पर्चा कहीं और जाओगे दवाई नहीं मिलेंगी, वो वही मिलेंगी, वो सामने जस्ट सामने मिलेंगे अस्पताल के सामने, वही दवाई मिलेंगी, और वो लोग वही दवाइयाँ ब्लैक करके, वही अस्पताल की दवाइयाँ वही ब्लैक करके, वही जो पब्लिक है, वो जनता जो परेशान है, मरीज है, वो जाते हैं वही मिल जाती है दवाई, उनका कमीशन होता है अच्छा खासा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर स्वास्थ्य सेवाएं ही लाचार हो जाएंगी तो जो लोग लाचार अपनी सेहत को लेकर घूम रहे हैं उनका क्या होगा। तो ये थी पीजीआई रोहतक की आज की वो कहानी जिससे आज हमने पर्दा उठाया। आशा करते हैं कि देश की आवाज जो ये कार्यक्रम है जिस प्रकार से लोगों के दिलों पर जगह बना रहा है, आप भी उतना ही सहयोग दें और अपने जो मुद्दे हैं उन्हें खुलकर हमारे सामने रखें। फिलहाल के लिए देश की आवाज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।